फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं।